उनको इस बात को मान लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गांवों में बसता है, 80% लोग गांवों में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांवों में रहने वालों की ना हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मध्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करें और सारे देश में गवध को बंद कर दें। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने समाजवाद का केवल नारा ही नहीं लगाया बल्कि समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए कदम भी उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ यह केवल आंदोलन ही नहीं रहा बल्कि इसको कार्य रूप में परिणत करना भी आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को जितना भी धन्यवाद दूं वह थोड़ा ही है। मुझे आपसे यह भी कहने का साहस हो रहा है कि सरकार ने इस समय हमारी पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे ही दिया गया है। आज तक तो वे बिल्कुल पिछड़े हुए थे। मैं आपसे यह कहने का भी साहस कर रहा हूँ कि पहाड़ी और सीमा के क्षेत्र को राज्य का अधिकार तो दे ही दिया गया है, उनको यह अवसर भी दिया गया है कि वे अपने पिछड़े हुए इलाके को उन्नत बनाने के लिए स्वयं प्रयत्न करें और अपने पैरों पर खड़े हों। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ आपके सामने यह कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं वे आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। हमारे भूमिहीन किसान कभी जेल में सड़ते हैं और कभी कहीं मारे फिरते हैं लेकिन भूमि उन्हें नहीं मिली। इसी प्रकार मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं वे पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बार हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था